तो चलिए जी, बारह अच्छा करती ना तैयारी कर दी हम लोगों ने। गांव में सब लोग ना इस तरह से मिलजुल कर काम करते हैं तो काम करने में भी आसानी होती है और जल्दी भी हो जाता है। हल्दी में हो रही है कुछ यूनिक वीडियो शूट। ये है पहाड़ी बारात के खूबसूरत से नज़ारे और विदाई होते होते ना यहाँ पे अंधेरा हो गया है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा परशान और मैं हूँ उत्तराखंड में चमोली जिले के सोलुंगरी गांव से। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत सुबह के करीब 8 बजे से हो रही है और मैं जा रही हूँ रिया लोगों के घर में। तो आज रिया की शादी है और अभी थोड़ी देर में ना हल्दी की रस्म होगी, तो हम लोगों को ना पूरी बनाना है और खयू का कलियो वगैरह बनाने के लिए आस पड़ोस के लोग जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने हर वीडियो में देखी होगी हमारे वहाँ की जो रीति रिवाज है। और आज ना मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है, पूरे काले काले बादल आए हुए हैं और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पांडव चौक में भी स्टेज लगा हुआ है और ये मेहंदी की फोटोशूट के लिए लगाया हुआ है और आज ना जयमाला भी यहीं पर होगी और बाकी गेट भी ना यहीं पे लगा हुआ है। घर के आसपास में ना खुली जगह नहीं है तो इसलिए सारा कार्यक्रम शादी का इसी साइड को हो रहा है। बाकी यहाँ पे ना पंचायती घर में पूरिया बनना शुरू हो गई। यहाँ पे ताई जी भाभी जी आटा गूंद रहे हैं बड़े से परात में और यहाँ नीचे साइड को पूरिया तली जा रही है, यहाँ पे रखी हुई है पूरिया और सुनीता दीदी तल रही है, यहाँ पे मदद कर रही है ताई जी। तो इस तरह से खुशनुमा माहौल बना हुआ है और उस साइड को ना बाकी का खाना बन रहा है। इस तरह से भाभी जी और ताई जी आटा गूंद रही है और चाची जी पानी डाल रही है। यहाँ पे ना ये परमिला बुआरी ने खूब ताकत लगा रही है पिछवा पे बड़े के गुण तो मोटे आर हुई ताती क्या ताकत कहाँ गुण ताकत नहीं तो सभी लोग ना इस तरह से काम भी कर लेते हैं और साथ में हंसी मजाक भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम सब लोग ना एक ही परात में आटा गूंद रहे हैं क्योंकि इस परात में ना काफी ज्यादा आटा इन लोगों ने निकाल दिया था तो ये गूंदा नहीं जा रहा, इसलिए एक साथ अलग अलग करके मतलब एक ही परात में इस तरह से हम लोग गूंद रहे हैं। अभी ब्लॉगर बनी हुई है परमिला बुआरी और आटा ना इस तरह से दो हाथों से गूंदने में जल्दी गूंद जाता है। एक साथ चार बार पिसू बोली तो ज्यादा दिमाग में फायदा था, अब बड़ी पर आता फायदा भी चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं लेके जा रही हूँ कोयले और बाकी भैया निकाल रहे हैं क्योंकि आग बड़ी तेज जली हुई है, हाथ भी जल रहा है। ये देखो भाई, तो ये कोयले लेके जा रही हूँ मैं चूल्हे में डालने के लिए, अब रोटी बनेगी। बाकी इस वाले प्रेशर में ना दाल गलने के लिए रखा हुआ है और उस वाले पतीले में पानी उबालने के लिए और वहाँ पे एक इडली है जिसमे चाय उबल रही है। ये चूल्हा ना कल रात का लगा हुआ है, इसमें कल रात भी रोटी बनाई थी हमने। और यहाँ पे ना सब्जी कट रही है और सभी भाई जी लोग सब्जी काटने में लगे हुए हैं और यहाँ पे गोभी कट रही है, प्याज कट रहा है और ताऊ जी भी लगे हुए हैं। गांव में सब लोग ना इस तरह से मिलजुल कर काम करते हैं तो काम करने में भी आसानी होती है और जल्दी भी हो जाता है। अब यहाँ पे रोटियाँ बननी भी शुरू हो गई है, आग भी अच्छी वाली जली हुई है और परमिला बना रही रोटी और मंजू भाभी पका रही है और बाकी तुलसी दीदी भी मदद कर रही है। और मेरे को एक चूल्हा और लगाना है क्योंकि एक और चूल्हे पे रोटी बनेगी। और हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा सुबह सुबह का बेहद खूबसूरत लग रहा है और आज मौसम तो हल्का फुल्का गुमसुम सा हो रखा है, तेज धूप भी खिल रखी है आज और नज़ारे ना बेहद खूबसूरत लग रहे हैं गांव के। और सभी लोग यहां पे काम करने में लगे हुए हैं और अभी चाय भी पी रहे हैं। तो ये है हमारी पौराणिक परंपराएं। तो गांव में जब भी किसी के घर में कोई कार्य होता है तो सभी लोग ना इस तरह से सामूहिक तौर पे मिलजुल कर काम करते हैं जिससे काम करने में भी आसानी होती है और काम जल्दी भी हो ही जाता है और गांव का माहौल ना काफी खुशनुमा हो जाता है। और अभी पूरिया बन के कम्प्लीट हो चुकी है और अभी यहाँ पे सुनीता दीदी पकौड़ियाँ तल रही है और कुछ लोग उन्होंने यहाँ पे नाश्ता करना भी शुरू कर दिया है। और इस वाले इस चाशनी में ना ये सूजी बन रही थी, ये सूजी ज्यादा हो गई थी तो इसको ना बड़ी वाली कढ़ाई में पलट रहे हैं। इस तरह के रीति रिवाज किस किस को अच्छे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। रोटियां पूरियां बनाने के बाद ना मंगल स्नान की भी तैयारी हो चुकी है और मैं भी तैयार होके आ चुकी हूँ। और घर के इस साइड को ना दान लिखा जा रहा है और दान लिखने के लिए यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और कुछ ये रिश्तेदार हैं और कुछ हमारे गांव के हैं। और दान लिखने के लिए ना एक आदमी की ड्यूटी स्पेशल यहाँ पे लगी होती है और आज का दान जो है ताऊ जी लिख रहे हैं। और हल्दी की रस्म भी शुरू हो चुकी है, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे हल्दी की रस्म होती है और हमारे घर की भाषा में इसको खयुक बोलते हैं। और ये पल ना बहुत भावुक पल होता है हर लड़की के लिए और उसके माँ बाप के लिए। और जब भी इस तरह के शुभ कार्य होते हैं ना जो हमारे पितृदेव होते हैं वो अपनी दिष्टा जरूर देते हैं, तो ये हमारे उत्तराखंड की दैविक शक्तियाँ इनको कह सकते हैं। जो पितृदेव है वो किसी न किसी पे अवतरित होके अपने होने का फरमा देते हैं। Yeah.
और ये ना रिया की दादी जी हैं और हमारी बुआ जी लगती है, और बुआ जी की ना काफी ज्यादा तबीयत खराब रहती है तो चल भी नहीं सकती है, तो यहाँ पे ना हल्दी लगाने के लिए इस तरह से लाए थे बुआ जी को, और दोबारा से ना उधर लेके जा रहे हैं, मतलब खुद से चल नहीं सकती है बुआ जी। दोस्तों अभी यहाँ पर मंगल स्नान हो रहा है, मेरे चैनल का नाम है यूके मनोज ब्लॉग्स, यहाँ पर मंगल स्नान हो रहा है। अरे यहाँ पे ना एक टोकरी फूल है, देखो इस तरह से बारे हुए हुए है, अलग अलग कर रखा है फूलों की पंखुड़ियों को। आप लोग भी आगे देखे ब्लॉग में कि इसमें इससे क्या किया जाएगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। अब फोटोग्राफर क्या करने वाले हैं इसका तभी पता चलेगा भाई। तो सभी लड़कियों के हाथ में इस तरह से फूल दिए हुए हैं, तो कैमरामैन ने ये इस तरह से ये हो रहा है फोटोशूट और वीडियो शूट के लिए, तो कुछ नए तरीके से यहाँ पे फोटोशूट होगा और नई अच्छी अच्छी वीडियोस बनेगी, तो इससे हम लोगों को भी कुछ सीखने को भी मिलेगा नई नई चीजें। कुछ यूनिक वीडियो और फोटो शूट हुए रिया के हल्दी की रस्म में, और अभी ना रिया बाथरूम में नहाने के लिए जा चुकी है और बारात भी रोड में आ चुकी है। फोटो शूट पे काफी ज्यादा टाइम लग गया और बाकी लोग भी ना काफी ज्यादा यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे रिशान ग्राम सभा से भी और डुंगरी से भी, और बाकी भी रिश्तेदार भी काफी ज्यादा आए हुए हैं। चौक जो है कि फुल भरा हुआ है सभी महिलाओं से, कुछ लोग चौक में, कुछ लोग चौक की दीवार में कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, और काफी रौनक भरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ रिया लोगों के घर में जाने के लिए, और ये रिया का गिफ्ट लेके जा रही हूँ। और फोटोशूट में ना इतना ज्यादा टाइम लगा कि यहाँ पे हल्दी हो रही थी और बारात जो है कि रोड में आ चुकी थी, तो बाराती सभी ना रोड में हैं अभी, तो हम लोग ना बारात स्वागत की तैयारी करते हैं, और मैं साड़ी पहनने के लिए आई हुई थी। सभी लोग आ चुके हैं, हमारी बेटी भारी है बारात स्वागत के लिए कलश लेके, और काफी खूबसूरत लग रहे हैं सभी लोग। और हम लोग ना यहाँ गेट पे आ चुके हैं बारात स्वागत के लिए, बाकी यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, और मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था ना यहाँ पांडव चौक में की गई है। बाकी यहाँ पे ये देखो भाई, भैया पकौड़िया खा रहे हैं, बड़ी भूख लगी तुम्हें, मांग मांग के खा रहे हो तुम, तो महंगे महंगे खा रहे, मैं महंगे भी नहीं खाए। तो चलिए जी, बारात स्वागत की ना तैयारी कर दी है हम लोगों ने, सभी महिलाएं यहाँ पे गेट पे खड़ी हैं और काफी खूबसूरत लग रही हैं। तो हमारे इधर साइड कुछ इस तरह से बारात स्वागत होता है, और यहाँ पे कलश बनाया हुआ है गगरी से। हल्दी की रस्म में थोड़ा टाइम लग गया था, तो बारात वालों को मतलब वेट करना पड़ा नीचे रोड में, तो महिलाओं के साथ साथ में यहाँ पे भैया जी और चाचा जी ये लोग भी यहाँ पे बारात स्वागत के लिए खड़े हैं हमारे साथ मतलब गेट पे। चलिए जी, बारात भी आ चुकी है और काफी खूबसूरत नजारे लग रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे बारात देखने के लिए भी आए हुए हैं। ये है भाई पहाड़ी शादी के खूबसूरत से नज़ारे, आगे से ढोल वादक, फिर बैंड बाजा और फिर बाराती।
खूबसूरत ये नज़ारे लग रहे हैं। यहाँ से ना रास्ता भी काफ़ी पतला पतला है, तो सभी लोग लाइन वाइज जा रहे हैं। और बारात में बाराती महिलाएं भी काफ़ी सारी आई हुई है, लड़कियां भी आई हुई हैं। बारात चौक में आ चुकी है और सभी बाराती मस्त होकर डांस कर रहे हैं। और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, चौक में जगह भी नहीं हो रही है। और बारात स्वागत के बाद ना अभी जयमाला की तैयारी है और सभी लोग ना पांडव चौक की तरफ जा रहे हैं। और भीड़ ना काफी ज्यादा हो रखी है क्योंकि रिछाण वाले भी बहुत ज्यादा आ रखे हैं और डूंगरी से भी, तो काफी अच्छी रौनक आई हुई है बारात में। ठीक है तो सभी बाराती ने यहाँ हमारे पांडव चौक में बैठे हुए हैं और अभी सभी को मिठाई लगाई जा रही है। धन्यवाद तुम। ये भी बराती सभी लेडीज हाय। और खुशी की बात यह है भाई, रिया के ससुराल से भी ना कई सारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, लेडीज भी जेंट्स भी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ना जयमाला के लिए ये स्टेज बना हुआ है और काफी खूबसूरत ढंग से इसे सजाया हुआ है। ये दूल्हा दुल्हन की ना सगाई के दिन की पिक्चर है, तो इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। गांव के साथ साथ भाई ब्रह्मपुरी से भी सभी भाभी ना बारात देखने के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारी ताई जी और बुआ जी भी आई हुई है। जयमाला की रस्म से पहले ना कुछ लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया है और बारातियों ने खा दिया है, साथ में ना गांव वाले भी एक साथ खा रहे हैं, तो इस तरह से लाइन में लगे हुए है। ये देखो भाई, तो भीड़ तो काफी ज्यादा है और माहौल तो अच्छा बना हुआ है। खाने की व्यवस्था है पंचायती घर में और सभी लोग ना लाइन में लगे हुए हैं, अब खाने का वेट कर रहे हैं। और अभी ना हम लोग भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आ चुके हैं। तो ये है नए सब्सक्राइबर दूल्हे के मामा जी लोग, तीनों के तीनों मामा हैं आप। अच्छा, तो खान पीन में कोई व्यवस्था कम है कि ऐसी भेज? बढ़िया, चलो बढ़िया। फिर कभी बाहर खाओ तुम, उम्मीद तुम कभी बाहर नहीं खाया खाने? तो मजाक मस्ती चल रही है। जीजा जी भी आए हुए हैं बारात में शामिल होने के लिए। कौन बने जीजा जी? खाना तेरे को भी, तेरे चैनल को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। खाना कौन बने? खाना कौन बने? खाना ठीक बना है, बहुत मस्त बना है। गरम गरम कहाँ है तुम? डुमेर में? डुमेर में व्यवस्था बढ़िया रही। चलो ठीक से खाओ तो। और हम लोग ना खाना खा के भी आ चुके हैं और दुल्हन अभी भी नहीं आई, तो आजकल सबसे ज्यादा टाइम जो है कि फोटो शूट में लगता है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे दुल्हन का। ये रही भाई आज की दुल्हन, और काफी इंतजार के बाद आ चुकी है तैयार होके और काफी खूबसूरत लग रही है।
जयमाला के बाद ना सभी लोग यहाँ चौक में आ चुके हैं और चौक की दीवार में बैठे हुए हैं और अभी ना फेरों की तैयारी है। बाकी हमारे रिसाण वाले और बाकी जो दूर दूर के थे ना सब लोग जा चुके हैं और नजदीक नजदीक वाले यहाँ पे हैं, अभी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं फेरों का। और अभी ना शाम के करीब 5 बज चुके हैं और यहाँ पे बेदी भी बन चुकी है और दूल्हा दुल्हन भी ना फेरों के लिए आ चुके हैं। करीब 6:30 का टाइम हो चुका है और बाहर ना पूरी तरह अंधेरा हो गया है। बाराती सभी नाच रहे हैं और अब बारात जाने की तैयारी है।